नमस्कार, मैं निशा कश्यप ARNews पे आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी जदयू कार्यालय के बाहर खड़े रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे भीड़ उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पे गुलाल लगा रहे, एक दूसरे को मिठाई खिला के खुशी जाहिर कर रही है। आइए इनसे हम सवाल करें। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं नीतीश कुमार, चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री सीट पे आए हुए, इसलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको क्या लगता है, इस बार जदयू से जनता बहुत नाराज थी? ऐसा कुछ नहीं, अगर जनता अगर नाराज रहती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर बनते क्या? नहीं बनते। इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जब तक राजनीति करेंगे तब तक मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। विकास की वोट, बिहार की जनता को बिहार विकास और सुशासन पसंद है। पूरे बिहार की महिला चुपचाप वोट दिए है, जिसका नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री को ही पूरे बिहार की महिला चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो, जिसका लेकिन जैसा कि कुछ दिन पहले वीडियो आया हुआ था जिसमें नीतीश कुमार ने ये कहा कि ये मेरी आखिरी चुनाव है, तो ये इनका ये चुनाव सभा था, आखिरी सभा था और आखिरी सभा में उन्होंने ये बात कही थी, आखिरी सभा था वो, और होने वाला भी नहीं है। इसका जो जवाब जो है पार्टी ने हमारी दे दी है और हम लोग उत्साहित है, ये उत्साहित का लड्डू है, हम लोग गठबंधन में खा रहे हैं, खिला रहे हैं। आपको क्या लगता है पासवान आपको क्या लगता है कि पासवान कुमार जो आप उनके सीट जो खड़े थे उनकी कम हुई है, नुकसान हुआ है या सर? नहीं, नुकसान तो हुआ है। चिराग पासवान का मकसद था कि किसी तरह नीतीश कुमार को हराना, जो कामयाब नहीं हुआ और अपने जीरो पे आउट हो गए। मात्र एक सीट लाए, एक चना अकेला क्या करेगा, बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए पूरे बिहार की महिला नीतीश कुमार के आरक्षण में खुश है, महिलाएं खुश है, हमारी बेटियां खुश है, क्योंकि उन्हें इतने अच्छे आरक्षण ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं दिए थे। लगातार आरोप ये भी लगते रहे हैं चुनाव आयोग पे और जो कार्यशैली थी काउंटिंग की उस पे क्या कहते हैं? काउंटिंग तो सब ठीक है। RJD ने आरोप लगाया था कि जो काउंटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कई जो नैरो मार्जिन थे वहाँ पे गड़बड़ी की गई है। वो तो गड़बड़ी का अपना हड़बड़ी का वो सोचने का उनका जो प्रतिबिंब जो है जहीं से दिख रहा था, पूरा सपना लेकर चल रहे थे, जो पूरा नहीं हुआ कुछ तो कहने का उनको होगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे निश्चित तौर पर, इस पर था कोई संशय नहीं, चूँकि ज़्यादा सीटें बीजेपी लाई एनडीए की सबसे बड़ी नेतृत्व, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल बना पड़ा है, सब बहुत खुश है कि नीतीश कुमार की सरकार फिर से वापस आ गई है। तो आगे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे हैं ARNews पे। धन्यवाद।